हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड होम डेकोर आइडिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक डीआईवाई शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास घर पे जो भी प्लास्टिक के डब्बे थे वो खाली हुए वेस्ट थे जो कि वो मैंने सारे ले लिए और ये यहाँ पे वॉश करके उनको अच्छे से ड्राई करके मैंने यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल पेंट का यूज़ किया है और डिज़ाइन के लिए कुछ एक्रेलिक कलर लिए हैं यहाँ पे। और ये मैंने मतलब ऑयल पेंट जो लिया है ये बस हल्का हल्का एक कोट में किया है और फिर इनको सबको मैंने कलर करके और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर जब ये ड्राई हो गए तो फिर मैंने इनको डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे एकदम आसान डिज़ाइन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैंने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं बनाया, बस खाली बिंदी बिंदी करके ऐसे सभी डब्बों पे डिज़ाइन बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया, अपने सारे डब्बे लेके अलग अलग डिज़ाइन कर दिया इनके ऊपर और फिर दिखने में ताकि ये अच्छे लगे और डेकोरेशन पर्पज़ के लिए किया है मैंने। मैं सोचा चलो फेंकने से अच्छा तो इनका मुझे शेप अच्छा लगा डब्बों का, तो मैं बोली चलो इनके ऊपर कलर कर लिया जाए और इनको डेकोरेट किया जाए। यहाँ पे मेरे पास जो भी कलर अवेलेबल थे वही मैंने लिए फ्रेंड्स। आप अपने चॉइस के हिसाब से और आपके पास जो भी कलर है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। सो फ्रेंड्स, मैंने इन पे डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे माचिस की तीली ली और उसके ऊपर कॉटन को ऐसे थोड़ा लपेट के उसी से डिज़ाइन बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डिज़ाइन इससे मतलब अच्छे से बन रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आइडिया अच्छा है मतलब इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने सब मेरा जितने भी डब्बे थे उन पे पेंट कर लिया। ये एक और डब्बा मेरे पास जो पौधों में पानी डालने के लिए कैन होती है उस टाइप का ही कुछ है, तो इस पे भी मैंने पेंट कर लिया और पेंट करने के बाद इस पे भी ऐसे डिज़ाइन बना दिया। अब ये डिज़ाइन बनने के बाद इनकी कैप मैंने बना दी है, ऐसे कैप के ऊपर एक और कैप चिपका के और उनके ऊपर बटन्स रख दिए और फिर उनके ऊपर कलर कर दिया और सेम डिज़ाइन बना दिया। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसके अंदर एक ये मेटल वायर थी पतली, तो उसको राउंड शेप देके और इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया बटन के अंदर, ताकि ये एकदम ऐसे कैप के ऊपर पकड़ने वाला जैसे ऐसे हो जाए ऐसे। ये भी एक वेस्ट कंटेनर था तो इसको भी मैंने डिज़ाइन बन करके ऐसे एक प्लांटर के लिए मैंने रेडी कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे डीआईवाई बन के रेडी हैं और इनको मैंने जो ये दो मैंने बड़े डब्बे थे इनको मैंने पेंट किया था, इनमें मैंने प्लांट लगा दिए। एक में वाइट मैनी प्लांट लगाया तो दूसरे में एरो हेड प्लांट लगा दिया। और ये मेरे पास एक जग था तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया, इस पे सनफ्लावर बना दिया और इसके ऐसे ही डिज़ाइन मैंने डेकोरेट के लिए इसको रेडी कर दिया।
लगाने के लिए मैंने यूज कर लिया, क्योंकि ग्रीन के ऊपर येलो कलर एकदम मतलब कलर कॉम्बिनेशन हो रहा था, तो इसलिए करके। और ये इसका जो जग का मैंने कैप बनाया, ये मेरा एक आइसक्रीम का डब्बा था तो उसका वेस्ट कैप था तो उसको बना दिया, और उसके ऊपर एक और दूसरी बोतल वेस्ट थी तो उसका कैप इसके ऊपर चिपका के ये जग का मेरा एक मतलब ऊपर ढकने का ढक्कन तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे इजी एकदम सब पे डिज़ाइन बनाए, बट ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे हम कुछ वेस्ट चीज़ों से घर को डेकोरेट करने के लिए ऐसे इजी इजी डिज़ाइन बना के डेकोरेट कर सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है, फेंकने से तो अच्छा आइडिया है कि ऐसे थोड़ा टाइम निकाल के ऐसे बना के घर को डेकोरेट करें। और यहाँ पे देखिए एक एल्यूमिनियम का मेरे पास गोल ऐसे कंटेनर था, तो इसको देखिए यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन बनाने के लिए ये कर्टन रिंग लिया, और यहाँ पे फेयर एंड लवली का मैंने कैप ले ली, और ये मेरे पास बैंगल्स बॉक्स था तो उसका भी प्लास्टिक का पुराना कैप था तो ये ले लिया। इन सबको ऐसे बना के इसका कैप बना दिया है, लेस वगैरह लगा के और कलर करके ऐसे। और ये एक ट्रे थी पुरानी तो इसका कलर फेड हो चुका था, तो इस पे भी मैंने इन ये सेम कलर कर दिया और थोड़ा ऐसे सिंपल डिज़ाइन बना दिया, और ये एक डेकोरेशन के लिए पीस बन के रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये मेरे DIY कैसे लगे, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।